दोस्तों, अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम की जीत के बाद वेस्टइंडीज के दिग्गजों का आया बड़ा बयान, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में भारतीय टीम को शानदार जीत मिली है और ऐसे में भारत की जीत के बाद वेस्टइंडीज के दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है। इस बीच क्रिस गेल, ब्रेन लारा से लेकर विवियन रिचर्ड्स, कायरन पोलार्ड ने भारत की जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने भारत की जीत के बाद क्या बयान दिया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे? रवि बिश्नोई, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन या फिर कोई और खिलाड़ी? कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा की आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत को शानदार जीत मिली है। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 235 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। साथ में लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 191 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना पाई और इस मैच को 44 रनों से हार गई। हालांकि इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने 58 रन तो वहीं रवि बिश्नोई और प्रसिद्ध कृष्णा ने सर्वाधिक 3-3 विकेट लिए और ऐसे में भारत की शानदार जीत के बाद वेस्टइंडीज के दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में भारतीय टीम को मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मैं चाहता था कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत मिले। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने एकजुट होकर बेहतर प्रदर्शन किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की तरफ से कप्तान सूर्य कुमार यादव की शानदार कप्तानी के साथ सभी बल्लेबाजों की बेहतरीन बल्लेबाजी और सभी गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी ने भारत को इस मैच में जीत दिलाने का आसान रास्ता दिखाया है, जिसके चलते भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दूसरा मैच जीतने में सफल रही है। तो वहीं विवियन रिचर्ड्स ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के दम पर जीत मिली है। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने तो बेहतरीन बल्लेबाजी की, साथ में गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी की, जिसके चलते इस मैच को भारत अपने नाम करने में सफल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की तरफ से मेरे अनुसार ऋतुराज गायकवाड़ का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिला है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक तरफ से टीम को संभाले रखा और अंतिम समय पर तूफानी पारी खेली, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मैच्योर पारी लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरीके के खिलाड़ी को टीम के अंदर होना चाहिए जो भारत को जीत दिला सकते हैं। तो वहीं ब्रायन लारा ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का लगातार अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। वर्ल्ड कप में भी भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन अंत में जीत हासिल नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया से अपना बदला पूरा किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। जिस तरीके से वर्ल्ड कप में भारत के अनुभवी खिलाड़ी एकजुट होकर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर युवा खिलाड़ी एकजुट होकर अच्छा प्रदर्शन किए और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को आसानी से हराने का काम कर रहे हैं, जो किसी भी टीम के लिए बड़े सपने के समान होता है। तो वहीं कायरन पोलार्ड ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत मिली, भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, भारत की तरफ से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी शानदार कप्तानी के जरिए गेंदबाजों का तो सही इस्तेमाल किया, साथ में बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन का भी बेहतरीन फायदा उठाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते आज भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी भारत को जीत दिलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और ऐसे में सभी टीम को भारत के तमाम खिलाड़ियों से बचकर रहने की आवश्यकता भी है, क्योंकि भारत के खिलाड़ी जिस तरीके से खेल रहे हैं उनको रोकना मुश्किल है। दोस्तों, अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की जीत को देखकर खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों की आतिशी पारी के बाद आया रवि बिश्नोई और प्रसिद्ध कृष्णा का तूफान। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे T20 मैच में यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन ने बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर मैदान पर कोहराम मचाया, तो वहीं लक्ष्य का बचाव करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से रवि बिश्नोई और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मैदान पर इस कदर आग लगाई जिसके सामने कंगारू गेंदबाज नेस्तनाबूद हो गए। तो आखिरकार कैसे कंगारू खिलाड़ियों के सामने भारतीय बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन कर शानदार जीत दिलाई है, तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है,
इस मैच में भारतीय टीम की जीत के हीरो कौन रहे, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा या रिंकू सिंह या फिर कोई और, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज का दूसरा टी20 मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वुड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया। आपको बता दें, इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम दो बदलाव के साथ मैदान पर आई, तो वहीं भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतरी और इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए सचिन जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आए, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों तरफ तहलका मचा दिया। यहां पर सचिन जायसवाल ने चौथे ओवर में नाथन एलिस को निशाना बनाते हुए लगातार 5 गेंद के अंदर 3 चौके और 2 छक्के ठोकते हुए 24 रन बटोरे और अपना दूसरा अर्धशतक मात्र 24 गेंद के अंदर पूरा कर लिया। हालांकि पावर प्ले के अंतर अंतिम ओवर में अर्धशतक लगाने के तुरंत बाद अगली गेंद पर गेंदबाज नाथन एलिस ने सचिन जायसवाल को 25 गेंद पर 9 चौके 2 छक्कों की मदद से 53 रन बनाने के बाद एडम जंपा के हाथों कैच आउट कराया और 77 रनों की ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने ईशान किशन आए। हालांकि पावर प्ले में 77 रन भारत ने बना दिए, तो जिसके बाद ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर टीम को संभाल लिया। यहां पर ईशान किशन ने तूफानी पारी खेलते हुए 15 ओवर के अंदर मात्र 29 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि अर्धशतक लगाने के तुरंत बाद ईशान किशन 16 ओवर में मार्कस स्टोनिस की गेंद पर नाथन एलिस के हाथों 32 गेंद पर 3 चौके और 4 छक्के की मदद से 52 रन बनाकर कैच आउट कराया। तो इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव आ गए, जिन्होंने छक्के के साथ अपना खाता खोला और आगे भी तूफानी पारी जारी रखी। लेकिन इसी बीच 18 ओवर में नाथन एलिस ने सूर्य कुमार यादव को 10 गेंद पर 2 चौके की मदद से 19 रन बनाने के बाद मार्कस स्टोनिस के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आ गए, जिन्होंने भी तूफानी पारी आते ही जारी रखी। और इस बीच ऋतुराज गायकवाड़ ने 18 ओवर में 39 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं 19 ओवर में भारत ने 200 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। लेकिन इसी बीच अंतिम ओवर में नाथन एलिस ने ऋतुराज गायकवाड़ को 43 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 53 रन बनाने के बाद बाउंड्री पर मौजूद टीम डेविस के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा आए गए मैदान पर, जो 2 गेंद पर 1 छक्के की मदद से 7 रन बनाकर नाबाद रहे। तो दूसरी तरफ से रिंकू सिंह 9 गेंद पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसके चलते भारत ने 235 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के अंदर बना लिए। इस बीच नाथन एलिस ने सर्वाधिक 3 और मार्कस स्टोनिस ने 1 विकेट लिया, तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान पर आई, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत स्टीव स्मिथ और मैथ्यू शॉट की जोड़ी ने की, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तूफानी पारी खेली। लेकिन इसी बीच 35 रन की ओपनिंग साझेदारी को तीसरे ओवर में रवि बिश्नोई ने तोड़ दिया, जहां पर उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे मैथ्यू शॉट को 10 गेंद पर 3 चौकों की मदद से 19 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड किया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जोश इंग्लिश मैदान पर आए, जो को आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 5 ओवर में 4 गेंद पर मात्र 2 रन बनाने के बाद रवि बिश्नोई की गेंद पर तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर आए, जो पावर प्ले के अंतिम ओवर में अक्षय पटेल की गेंद पर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन को लौटे। इस दौरान मैक्सवेल 8 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 12 रन बनाकर आउट हो गए। तो इसके बाद बल्लेबाजी करने मार्कस स्टोनिस आए और इस दौरान पावर प्ले में 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर उन्होंने बना दिए। तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे स्टीव स्मिथ 8 ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर 16 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 19 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए टीम डेविड मैदान पर आए, जिन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी। लेकिन इसी बीच महत्वपूर्ण साझेदारी को 13 ओवर में रवि बिश्नोई ने तोड़ा, जहां पर उन्होंने टीम डेविड को 22 गेंद पर 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 37 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान मैथ्यू वुड आए। दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे मार्कस स्टोनिस 25 गेंद पर 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से 45 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच उनको मुकेश कुमार ने अक्षय पटेल के हाथों 15 ओवर में कैच आउट कराया, जिसके बाद सीने वट आए, जो 2 गेंद पर 1 रन बनाकर 16 ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा क्लीन बोल्ड हुए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नाथन एलिस आए, जो 4 गेंद पर 1 रन बनाकर इसी ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने एडम जंप आए, जो 17 ओवर में 3 गेंद पर 1 रन बनाकर अर्षदीप सिंह की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। इसके बाद अंतिम बल्लेबाज तनवीर मैदान पर आए, जो 4 गेंद पर 2 रन बनाकर नाबाद रहे। तो वहीं दूसरी तरफ से कप्तान मैथ्यू वुड 23 गेंद पर 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 42 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसके चलते 191 रन 9 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने बनाए। तो इस दौरान प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट लिए। वहीं अक्षय पटेल, अर्षदीप सिंह और मुकेश कुमार तीनों के 1-1 विकेट मिला और भारत इस मैच को 44 रन से जीत